Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata तो वहां पे वो सब सारा वर्णन आया था। अब भगवान का मुख ब्राह्मण है और उनका जो शरीर है ब्राह्मण का, सॉरी भगवान का, वो वर्णों से उनको कंपेयर किया गया है। तो हम लोग जानते हैं चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्ण है वो भगवान में कहाँ पे आते हैं वो बताया गया है। और फिर जो है इसमें प्रभुपाद जी, अगर हम लोग तात्पर्य देखें, हम लोग तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान के विभिन्न अंग हैं। तो जैसे किसी के शरीर का कोई भाग है, कोई बॉडी पार्ट है, तो सभी इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली बोलते हैं अरे शूद्र तो बेकार है, कुछ काम के नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शूद्र इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। जैसे पांव है हमारे, तो पांव भी बहुत जरूरी है। कोई बोलते हैं पांव काट के फेंक दो, पांव जरूरी नहीं है, तो नहीं चलेगा, वो शरीर नहीं चल पाएगा। तो कहीं जाना है तो कौन, ये पैर ही तो है, वो लेके जाते हैं। तो वैसे शूद्र है वो जब सारा जो अपना कर्म करते हैं, तब ये पूरा जो बॉडी है, जो ये वर्ण आश्रम का, ये चलता ही इसी वजह से है, क्योंकि हर कोई जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, वैश्य अपना कार्य कर रहे हैं, शूद्र अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी जो है अपना कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ये। तो ये जो है प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान के विभिन्न अंग हैं ये। और यहाँ पे ब्राह्मण को जो है मुख से कंपेयर किया गया। तो मुख भी, अगर ये जो वर्ड हम लोग इस श्लोक में देखें, तो यहाँ पे उनका मुख यानी उनका मुंह उसको, लेकिन कहीं कहीं श्लोकों में मुख को भगवान का फेस से भी कंपेयर, जैसे हम लोग एक श्लोक देखते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोका नंबर 14, उसमें एक श्लोक आता है सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। तो वो क्या कॉन्टेक्स्ट में मुख कहा गया है वहाँ पे वो समझना है। तो यहाँ पे जब अर्जुन कहते हैं कि मेरे सिदंति मम गात्रणी, मेरे जो रोम है उसमें कंपन हो रहा है और मेरा मुख, मेरा जो है मुख सूख गया है, तो फेस सूख गया नहीं बोलने, वो मेरा मुंह यानी मेरा जो माउथ है वो ड्राई हो गया है, मुखम च परिशुष्यति। तो वहाँ पे उस रेफरेंस में मुख के बारे में कहा गया। लेकिन आगे का श्लोक देखें हम लोग, भगवान बोलते हैं 13वें अध्याय के श्लोका नंबर 14 में, सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो वक्षि शिरो मुखम। तो भगवान कहते हैं कि सर्वतः पाणी पादम, सब जगह पे मेरे पांव, मेरे हाथ सब जगह पे है, और सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सब जगह पे मेरे जो है मेरी आंखें, मेरा सर और मेरा मुख है। तो वहां पे जब मुख बोलते हैं तो वो फेस के बारे में कहते हैं, वो अपने मुंह के बारे में नहीं कह रहे। तो ये जस्ट एक थोड़ा टेक्निकल था, तो इसमें जस्ट वांटेड टू शेयर ऑन दैट कि कहीं कहीं पे मुख को मुंह से मतलब का संबोधित किया है, कहीं कहीं पे फेस से संबोधित किया गया है। तो ये एक इस श्लोक में था। फिर आगे ब्राह्मणों को जो है उनके मुख से कंपेयर किया गया, हम लोग जानते हैं ये। और कई बार बोलते हैं कि जब ब्राह्मणों को जब खिलाते हैं हम लोग, तो भगवान पसंद है, भगवान खुद बोलते हैं कि ये ब्राह्मण जो है मेरे मुख है। तो वो जब ब्राह्मणों को हम लोग प्रसाद खिलाते हैं, उनको उनको भोजन कराते हैं, तो वो एक्चुअली
भगवान को प्रसन्नता के लिए होता है। हम लोग जब घर पे वैष्णव लोगों को सब बुलाते हैं, हम लोग बार 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 प्रभु जी या प्रसाद के लिए माता जी, हम लोग यहाँ पे जब प्रसाद खिलाते हैं तो दैट इज वाई कि हम भगवान को प्रसन्न करें। और जब भगवान देखते हैं कि अरे ये कितना सेवा कर रहा है, वैष्णवों की सेवा कर रहा है, कितने ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है,